What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So, today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to study mission. I hope to feel. So, आज के the Hindu newspaper analysis करेंगे हम लोग और देखेंगे क्या कुछ नया आर्टिकल है आज का और शानदार आर्टिकल है आज का देखेंगे हम लोग और डिस्कस करेंगे और देखिए रिवीजन करते रहिए. रिवीजन बहुत बड़ा रोल आता है आपके एग्जाम के पॉइंट आउट से, तो रिवीजन भी करते रहिए बीच बीच में और संडे सैटरडे को रिवीजन का दिन रखिए. और देखिए आज हमारे भगत सिंह जो कि एक बोल सकते हैं कि अपने देश के प्रति जो जान देने वाले, मतलब एक जो लोग प्यार करते हैं सच में, जो कंट्री से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, वो हमारे निकल कर आए थे हमारे भगत सिंह जी और इनके साथ साथ दो लोग और थे. तो ये जो भगत सिंह जी जो थे ये जान दे दिए हंसते हंसते कहा जाता है. तो इन्हीं के द्वारा एक कोट्स बोला गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का तिल में है. तो देखिए कहीं ना कहीं अगर ये कोट्स हमारे संस्कार में और हमारे प्रति ये अगर बढ़ जाता है और इनका 113वें बर्थ अमेंडमेंट है, बर्थ एनिवर्सरी है 113 नंबर पर, 113 बार इनको मना चुके हैं हम लोग. तो जब ऐसी कोट्स हमारे मन में एक अभिलाषा लाती है, हमारे मन में बैठ जाती है, तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि अपने देश को हम आगे ले जा सकते हैं और अपने देश में अगर अच्छा कार्य करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपना इतिहास में नाम ऊंचा कर सकते हैं. तो इन्हीं का आज बर्थडे था तो इनके उपलक्ष्य में आज हमको अपने देश के प्रति अच्छा कार्य करने का एक संघर्ष लेना चाहिए, एक ठान लेना चाहिए और अच्छा कार्य कर आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को. तो आइए देखते हैं आज का आर्टिकल में क्या है. हम लोग एडिटोरियल पेज पे आएंगे सीधे और एडिटोरियल पेज पे हम लोग डिस्कस करेंगे. और देखिए एजुकेशन के बारे में अगर बात करें तो एजुकेशन के बारे में यहाँ कुछ बात की जा रही है, एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए. यहाँ पर बिहार स्टेट के बारे में कुछ बात की जा रही है, बिहार के इलेक्शन में आना है उसके उपलक्ष्य में. और यहाँ पर इकोनॉमिक के तरीके पर बात की जा रही है. इकोनॉमिक के तरीके हम लोग बहुत बात कर चुके हैं ग्रोथ को लेकर, इकोनॉमिक को हम लोग GST कैसे हैं और क्या है इम्प्लीमेंट क्या चल रहा है आजकल. एजुकेशन के रूप में मेडिकल एजुकेशन के रूप में देखते हैं यहाँ पे कुछ आर्टिकल. तो ऐसे ऐसे कुछ आर्टिकल है आज का करंट अफेयर्स, आज का न्यूज आपको एक ओवरव्यू में याद होनी चाहिए. लेकिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने सुप्रीम के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट हमारी कैसे कार्य कर रही है अभी फ़िलहाल. और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है अभी, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है हमारे फंडामेंटल को, राइट को और हमारे एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बचाने का और कार्य कराने का, ये कैसे लेकर चल रही है सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट वो राइट फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट वो ओवरव्यू और रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है पब्लिक को, यहाँ पे वही बात होगी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो कानून और दायरे और कार्यकाल किए जाते हैं. आइए चलते हैं देखते हैं. अगर हम बात करें आपके फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35 आर्टिकल, 12 से 35 तक जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट की बात करता है. तो जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट का अधिकार, उसको फॉलो करने का अधिकार, पब्लिक को फॉलो कराने का अधिकार और उसको कंट्रोल करने का अधिकार सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है. सुप्रीम कोर्ट के पास है सिर्फ हमारे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको फॉलो कराने का. तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कार्य करेगी इस पर हम लोग देख रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य सही से नहीं कर रही है, आप लोग देखने को मिल रहा है आप लोगों को. अगर बात करें, एक केस था हमारा पीके घोष जी का भी एक केस था जो कि 1995 का 1995 का, और ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हेल्ड किया था इस केस को. और यहाँ पे फंडामेंटल
जजेस के फंडामेंटल जो होता है डाइवर्सिटी सिस्टम को कैसे लेकर चला और रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कैसे मनाया उसकी बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे इस केस को लेकर क्या हुआ, इस केस में हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज था और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू सही निकल कर नहीं आ रहा था। तो ये शुरू से ही ये इतिहास ही हिस्ट्री देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अभी अच्छा कार्य नहीं कर रही है, अभी 6-7 वर्ष पहले अच्छा कार्य नहीं कर रही है, लेकिन शुरू में अच्छा कार्य कर रही थी, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अभी ये अच्छा कार्य नहीं कर रही है, अभी ये अपना ओवरव्यू अच्छा से नहीं दे रही है, नहीं दे पा रही है कुछ सालों से। लेकिन अगर बात करें 1995 की भी, तो यहाँ पर भी अच्छा कार्य इसके द्वारा नहीं किया गया उतना, क्यों नहीं किया गया, और अब तो और ही बदतर हो चुका है हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो रेगुलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक कन्फिडेंशन की बात करें तो यहाँ पे इम्पर्सनैलिटी जजेस को देखने को मिलता है। अगर फंडामेंटल राइट जो होता है, फंडामेंटल ड्यूटी, ये फॉलो कराता है सुप्रीम कोर्ट। और जब अगर आप सुप्रीम कोर्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स को अगर फॉलो नहीं करा पाएगी तो हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो फंडामेंटल राइट पहले आता है, बाद में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी होती हैं। फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाया गया? फंडामेंटल राइट्स इसलिए बनाया गया हम लोग अपने कंट्री को एक अच्छा बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे और अपने कंट्री का रूल रेगुलेशन से चलेंगे। उसके बाद जब गवर्नमेंट असेंबली में, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बात चली कि जब हम पब्लिक को फंडामेंटल राइट्स देंगे, उसका अधिकार देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमको कहीं ना कहीं एक उनका ड्यूटी भी देना होगा। बोला जाता है आपका जो एक पद होता है, जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपके ग्रेट पावर की वजह से आती है। जो ही होता है तो अगर आपके पास ग्रेट पावर है, ग्रेट फंडामेंटल राइट है, तो आपका एक अधिकार भी होना चाहिए और आपका अधिकार के साथ साथ एक ड्यूटी भी होनी चाहिए। वही है, वहीं से फंडामेंटल ड्यूटी भी निकल कर आया। क्यों? क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट है, आपको एक ड्यूटी भी है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सही रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन को सही रखना है और एक राष्ट्र के रूप में एक अच्छे तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। आपका ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप तिरंगे को कहीं भी तिरंगे का सम्मान करेंगे, आपकी ड्यूटी है राष्ट्रगान के सम्मान करेंगे। यही जो होता है आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। और फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट आपका एजुकेशन के हिसाब से है, आपकी स्पीकिंग के हिसाब से है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू स्पीकिंग है, राइट टू फ्रीडम है, ये जो होती हैं फंडामेंटल राइट्स होती है। तो आप लोगों को डिफरेंट पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है और फंडामेंटल राइट्स क्या होती है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये नहीं था, आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट्स को, हमारे ड्यूटीज़ को कैसे फॉलो कर रही है और कैसे फॉलो करा रही है। अगर हम बात करें जेके शेखर, एक केस था जेएस खेर जी का, एक केस था 2017 का, जेएस खेर जी का 2017 का ये केस था। 2017 में जब ये केस निकल कर आया तो यहाँ पर चीफ जस्टिस जो थे यहाँ पर अच्छा कार्य नहीं किए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पब्लिक ग्रुप में नहीं निभाए और यह केस को एक मसले में रूप तरह से नहीं लिया गया और एक इस केस को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया गया। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट कैसे कार्य कर रही है, तो चाहे आप देखिए कोई भी इसका सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी चीज़ को देखिए, कोई भी केस को देखिए, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से केस को ला रही है आज की सिचुएशन में। अगर आज की सिचुएशन में हम चाहे अयोध्या केस देखिए या आपका राफेल का केस देखिए या बिरला सिवाय केस देखिए, ये जो केस है राफेल का या जो अयोध्या मंदिर का जो केस है, ये केस कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट को, एक गवर्नमेंट पर सुप्रीम कोर्ट को एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को निकल कर आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था ये एक्ट कैसे पास हो सकता है हमारे पार्लियामेंट से। ठीक है, तो पार्लियामेंट में ये केस एक या दो घंटे में ही ये सॉल्व कर दिया जाता है और इस एक्ट को लाकर खड़ा कर दिया जाता है पब्लिक के सामने, भले ही वो पब्लिक के सामने खराब हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं डाल रहा है आजकल के सिचुएशन में बोल रहा हूँ मैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उसमें अपना इंटरफेयर नहीं कर रही है,
सुप्रीम कोर्ट की जबकि इंटरफेयर करना चाहिए हर एक केस में, जब वो सही हो तब या ना सही हो तब उसको एक जजमेंट के रूप में एक रिव्यू को उसको बताना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। कोई भी एक्ट को, कोई भी बिल के बारे में उसको कम से कम इन्फॉर्मेशन देना चाहिए लोगों को, यह एक्ट क्या करेगा, आपके इम्पैक्ट क्या डालेगा, आपका प्रभाव क्या डालेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा यहाँ पर दिखाई देने को आपको नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें 370 की, 370 की अगर बात करें 370 आर्टिकल की, तो 370 आर्टिकल भी कहीं ना कहीं वैसा ही निकल कर आया और वैसे ही खिंचाताने में यह केस साल्व हो गई। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हिस्से में या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हिस्से में गवर्नमेंट के फेवर में ये कार्य किया जा रहा है। गवर्नमेंट कुछ भी चाह रही है, कुछ भी पास हो जा रहा है। गवर्नमेंट कोई भी एक्ट चाह रही है, कोई भी बिल चाह रही है, वह एक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्ट पास हो जा रहा है और आगे पब्लिक में इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, या पब्लिक को वहाँ पे बेनिफिट मिले या पब्लिक को वहाँ पे नुकसान काफ़ी हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। अगर आप देखोगे लॉकडाउन में काफ़ी गरीब मजदूर वहाँ पे फंसे, आपके ट्रेन से कटके हुए दिखाई दिए, आपके कुछ प्यासे भूखे मरे थे आपको दिखाई दिए, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके विचार को, उस सोच को, इस पब्लिक को सोच को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं रखा गया। पब्लिक के विचार को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्वेश्चन हमारा जो गवर्नमेंट सॉरी जो पब्लिक होती है, पब्लिक गवर्नमेंट से सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। क्वेश्चन पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आपको लॉकडाउन में इंटरफेयर करते हुए नहीं दिखाई दी। आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारा आज के सिचुएशन में क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट के ऊपर नहीं उठा रही है, और कहीं ना कहीं ये मिलीभगत प्रोग्राम चल रहा है, मिलीभगत सरकार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जिसे चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को बचाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी बात की जा रही है। यहाँ पे 370 की बात करें, 370 वहीं देखने को मिला मुद्दा कि 2-3 घंटे में यह केस साल हो गया और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 370 के द्वारा ये पार्लियामेंट के द्वारा ये 370 को हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इसको पूछना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए था कि भाई ये 370 हटा, लेकिन इसमें क्या कुछ कमी है कि नहीं है, यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं पब्लिक को बताना चाहिए था। अगर हम GST की बात करें, जिस समय GST आई थी, GST के समय भी यहाँ पे, या जब नोटबंदी की बात करें, जो नोट को बंद किया गया, GST की बात करें इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये जो चीज़ें थी यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू देखने को नहीं मिला। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा कि यहाँ पे पब्लिक मर रही है, पब्लिक अपना पैसा खुद नहीं ले पा रही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पे इस कंडीशन में खड़े होंगे, आप लोग अपना पैसा खुद नहीं ले पा रहे थे, लाइन में लगे थे, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इसको सरकार के ऊपर बिलोंग नहीं की, सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाए कि आखिर लोग कैसे जिएंगे, जिसका शादी था, जैसे ब्याह था, वो अपना कार्य, जिसका पर्सनल कार्य था, वो अपना कार्य पर्सनल नहीं कर सकता था, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे GST इम्प्लीमेंट किया गया, GST के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, GST कैसे क्या है, GST किस पे इम्प्लीमेंट हो रही है, इन्फॉर्मेशन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया कि इस प्रोडक्ट पर GST लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ नहीं बोली ये यहाँ पे आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें अभी सिचुएशन में, अभी आपके हालात क्या चल रहा है, आपका हालात सुशांत सिंह केस का चल रहा है। सुशांत सिंह केस में बहुत सारा खींचतानी हो रहा है, सुशांत सिंह का केस इधर से उधर चला गया, कहाँ से कहाँ ड्रग्स में चला गया, तो ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट के दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को एक क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए, भाई जो केस साल्व करना था वो साल्व करो, आप इतना टाइम ले लिया, हर मीडिया वाले ये कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा है। यहाँ पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल नहीं रही है, ना कुछ यहाँ पे कुछ कर रही है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी को एग्जांपल को लेकर, तो आपको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर ये डिसाइड नहीं करता, बेसिक स्ट्रक्चर ये डिसाइड अभी नहीं किया गया है यहाँ पे।
सुप्रीम कोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड नहीं किया गया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच होता है, ये बेंच बनता है, ये 5 जजेज का बेंच बनता है, और 5 जज एक मिलकर एक ओवरव्यू अपना निकालते हैं, लेकिन इस बेंच का भी प्रयोग आजकल करने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग को 8 नंबर वाली संख्याएं देखेंगे, जैसे कि 7 देखेगी, 11 देखेगा, तो ऐसे 8 नंबर वाले एक क्वेश्चन नंबर दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 6 हो जाते हैं तो 3 और 3 हो जाते हैं, यहाँ पे 3-3 मेंबर, तो यहाँ 3-3 जज, तो यहाँ 3-3 जज अगर हो जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वलिटी दिखाने को मिल जाएगी, लेकिन हमको किसी के फेवर में और किसी के अपोजिशन में कार्य करना है, इसलिए हमको 5 जजेज को आवश्यकता होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है, इसके द्वारा कोई भी मामला शांत के सॉल्व किया जाता है। अगर हम आर्टिकल 143 की बात करें, आर्टिकल 143 की, तो आर्टिकल 143 में 143 क्या कहता है? 143 ये कहता है कि अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट का मौका देता है 143, प्रेसिडेंट वहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है हमारे सुप्रीम कोर्ट से, डायरेक्ट प्रेसिडेंट क्वेश्चन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कुछ बोलने का तैयार ही नहीं है, प्रेसिडेंट भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्य करने को अपना क्वेश्चन मार्क उठाने को नहीं मिल रहा है। पहले यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को ओवरव्यू दिया गया है, तो पहले जो था, अभी आज के सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट में जज 34 है, 34 जज है, लेकिन पहले 30 था, तो अब तो और बेहतर कार्य करना चाहिए, अब तो और अच्छे से अपने केस को सॉल्व करना चाहिए और एक अच्छे तरीके से, एक ओवरव्यू तरीके से, लेकिन यहाँ पे कभी भी यह चार जो जज बड़े हैं इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले 30 जज थे, अब 34 जज हो गए हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए केस को, लेकिन वो भी अभी नहीं मिल रहा है, उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें तो हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में एक केस देखने को मिली थी, अरुणाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जो थे वो सुसाइड कर लिए थे, तो उनके जब सुसाइड होने पे क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा था? क्वेश्चन मार्क लगा था हमारे सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे ये जो सुसाइड किए थे, लेकिन इस केस को वहाँ पे उतना हाईलाइट नहीं किया गया, इस केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद ही दायरे में आकर खड़ा हो जा रही थी, और इसीलिए यहाँ पे केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अगर आज की सिचुएशन में बात करें तो सुशांत सिंह केस को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई वो ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कोई बोल ही नहीं सकती है, और यहाँ पे सुशांत सिंह केस का काफ़ी लार्ज तरीके में बढ़ाया जा रहा है, और अगर हम बात करें हमारे जो जजमेंट थे, जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी पे एक सेक्सुअल हरसमेंट का यहाँ पे एक केस आई थी, कि सेक्सुअल हरसमेंट का एक केस इनके ऊपर देखने को मिला था, एक लेडीज इनके ऊपर केस किया था, लेकिन इनका इस केस का भी कुछ नहीं किया गया। इनको यहाँ से वो लड़की खुद आई और इनको जजमेंट दे दिया, इनको सॉल्व कर दिया उस केस को, और बोली कि ये केस आगे नहीं बढ़ेगा, और फिर पता नहीं कैसे सॉल्व कर दिया गया इसको, लेकिन इस केस को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जज जो थे हमारे रंजन गोगोई जी, इनके ऊपर खुद एक मामला चल रहा था, और ये अगर मामला चल जाता सुप्रीम कोर्ट में या पब्लिक जान जाती कि इनके ऊपर सेक्सुअल हरसमेंट का एक केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक का जो फेथ है सुप्रीम कोर्ट पे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता, और यह विश्वास सुप्रीम कोर्ट खोना नहीं चाहती है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं खींचतानी चलता है, और ये गवर्नमेंट चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट बचा रहे, और सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि गवर्नमेंट बचा रहे, यही आज के सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट का और गवर्नमेंट का, ये तो कहीं ना कहीं ये इंटरफेयर चल रहा है दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं खींचतानी चल रहा है, और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिलाप के तरीके से ये गवर्नमेंट चल रही है, तो ये हमको सोचना चाहिए, पब्लिक को सोचना चाहिए, और इस पे कैसे
हम लोग लेकर चलेंगे, कैसे सुप्रीम कोर्ट चलेगी आगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और आप लोगों का ओवरव्यू इसमें क्या है, इसके रिलेटेड आप लोगों की सोच क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये सही चल रही है या गलत चल रही है, गवर्नमेंट को ऐसी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोग अपना ओवरव्यू देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग का भी राइट है यहाँ पर। आई होप कि आप लोग समझ गए आज का आर्टिकल, ये आज का लेक्चर। तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं, एनी वन सोशल मीडिया यू कैन फॉलो मी, सो यू कैन गो हियर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फाउंड हियर ऑल द लिंक्स। तो आप हर एक लिंक को यहाँ पे पा सकते हैं, हर एक लिंक पे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। जय ज्वाइन हो जाइए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद।